इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया और हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। सो इस वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए, कंप्लीट कीजिए, देन ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। तो एक सिटी में सर्वे हुआ जिसमें कि देखा गया कि यंग पीपल को किस तरह का म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। तो नीचे पाई चार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें बताया गया कि लोगों को, यंग पीपल को कैसा कैसा म्यूजिक पसंद है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट हमें आंसर द फॉलोइंग, हमें नीचे आंसर देना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो लाइट है, लाइट म्यूजिक पसंद है 40% पीपल को। सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है 20% यंग पीपल को। क्लासिकल म्यूजिक पसंद है 10% यंग पीपल को। और फॉक म्यूजिक पसंद है 30% यंग पीपल को। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू आंसर नंबर 1, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले 20 पीपल है तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो मतलब कि कितना यंग पीपल पे सर्वे हुआ है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन से। तो उसने कहा है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। हमें क्लासिकल की परसेंटेज कितनी गिवन है, हमें क्लासिकल की परसेंटेज गिवन है 10%। तो अगर हमने 10% हमें गिवन अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास 20 पीपल गिवन है, 20 पीपल अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स तो टोटल पीपल है। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं दैट टोटल पीपल इज इक्वल टू एक्स, टोटल पीपल इज इक्वल टू एक्स, टोटल पीपल एक्स है यंग पीपल, ठीक है। तो 20 पीपल जो हमें गिवन है, एक्स जो कि टोटल पीपल गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज हमारी किसके इक्वल आई है, 10% के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे परसेंट चाहे मत लगाइए 10, क्लियर, क्योंकि उसका हम 100 लगा चुके हैं इधर। सो ये हो गया हमारे पास हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें निकालनी होगी एक्स की वैल्यू। सो एक्स उधर चला जाएगा, 10 को हम इधर ले आते हैं। सो 20 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ से इस पर कटिंग करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 200। सो हमारे पास टोटल पीपल कितने हो गए, यंग पीपल, हैंस 200 पीपल वर सर्वेड। क्लियर? सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है उन्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है, तो उन्हें लाइट म्यूजिक पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट। क्लियर? सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100,000 सीडीज, अगर एक कैसेट कंपनी 1,000 सीडीज बनाती है, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड दे मेक। तो वो लाइट, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और फॉक्स सबकी कितनी कितनी सीडीज बनाएगी। ऑब्वियसली जितनी जितनी उनकी परसेंट है उस अकॉर्डिंग ही बनाएगी। सो इसका हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक के लिए। सो सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, सो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल इसमें हमारे पास है 10%, ठीक है, परसेंट का नीचे हो जाएगा 100, और हमारे पास टोटल कितनी सीडीज हैं, 1000। क्लियर? तो अब अगर हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएंगी, 100 कैसेट्स। तो मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक की टोटल 100 कैसेट्स बनेंगी। क्लियर? सेकेंड हम क्लासिकल के लिए निकाला, हम निकालते हैं फोक के लिए। सो सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक, सो फोक म्यूजिक के लिए क्या होगा, वही सेम हमारे पास 30% है, परसेंट का आ जाएगा 100 इंटू 1000 कैसेट्स है टोटल। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी टोटल हमारे पास 300 कैसेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सीडी ऑफ लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले कितने परसेंट पीपल हैं हमारे पास, 40%, 40 और परसेंट का नीचे 100 इंटू टोटल हमारे पास 1000 पीपल्स हैं। तो कटिंग करके इसके भी हमारे पास आ जाएंगी 400 कैसेट्स। सो लास्ट है हमारे पास सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सो लास्ट है सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले टोटल हमारे पास है 20%, परसेंट का आ जाएगा 100 इंटू 1000। सो कटिंग करके हमारे पास आ जाएंगे 200 कैसेट्स। तो ये थी हमारा थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1।
सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम ओवर एक्सरसाइज 5.2। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, टोटल 360 पीपल है, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। उन्हें कहा गया कि अपने फेवरेट सीजन के लिए वोट कीजिए फ्रॉम द थ्री सीजन्स। सीजन कौन कौन से थे? समर, रेनी एंड विंटर। सो समर के लिए आई हैं 90 वोट्स, रेनी के लिए आई हैं 120 वोट्स एंड विंटर के लिए आई हैं 150 वोट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आंसर देने क्वेश्चंस के। सबसे पहले विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स कौन से सीजन के, तो सबसे ज़्यादा वोट्स है विंटर सीजन को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विंटर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल। अब हमें हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है। आपको मैंने बताया है कि हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली 360 से मल्टीप्लाई करवा के। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम समर सीजन का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सो सेंट्रल एंगल को हम लिख रहे हैं सी ए। सो सी ए ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ समर कैसे निकालेंगे हमें, इसका एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, मतलब एंगल की फॉर्म में हो जाएगा ये, तो 90 वोट्स गिवन है हमें। सो हो जाएगा 90। और हमारे टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल है हमारे पास 360 पीपल। सो 360 और एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर। जब इस सबको हम सॉल्व करेंगे 360 से 360 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास सेंट्रल एंगल समर का आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। सेकेंड हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी। अब रेनी का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 120 और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 360 हमें गिवन है, और सेंट्रल एंगल है हमारा 360। तो इस 360 की कटिंग हो जाएगी, तो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। लास्ट है सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर। अब विंटर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 150 है टोटल इसके नंबर ऑफ वोट्स और टोटल पीपल है 360 इंटू सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री, तो 360 से 360 कटिंग हो जाएगी, तो हमारा एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, हमने सबके सेंट्रल एंगल निकाल लिया। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हमें पाई चार्ट की फॉर्म में बनाना है, तो मैं यहीं पर बना देती हूँ, या चलिए नेक्स्ट पे कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हम सर्कल लगा देते हैं पाई चार्ट के लिए। मैंने आपको कहा था जब आप कंपास से सर्कल लगाएंगे तो आपके पास सेंटर अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर आ चुका है। तो सबसे पहले हाँ, तो हम यहाँ पे एक रेडियस बना लेते हैं, तो ये है हमारा सेंटर। सो ये हो गया हमारा रेडियस। क्लियर। सबसे पहले हम कोई भी एंगल बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम समर से स्टार्ट करते हैं। समर है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये है हमारा बेस, ये है हो गया हमारा बेस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी मार्क कर देते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर। तो दिस इज 90 डिग्री और ये है हमारा समर। क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारा एंगल रेनी। रेनी कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब ये है हमारा बेस, ये बेस है, और अब हमने एंगल लगाना है हमारा 120 डिग्री का। सो ये हो गया 100 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया मार्क और इसको दे दिया हमने 120 डिग्री, बिकॉज ये है रेनी। क्लियर। अब लास्ट एंगल है हमारा 150 डिग्री, उसको हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम उसे अगर हम मेजर करेंगे तो वो खुद ही हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री। आप देख सकते हैं ये खुद ही आ रहा है 150 डिग्री पे। क्लियर। सो दिस इज 150 डिग्री जो कि है विंटर। क्लियर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अगर हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं, मान लीजिए चार हैं, पांच है, अगर हमने तीन एंगल बना लिए फोर्थ अपने आप आ जाएगा, चार एंगल बना लिए फिफ्थ अपने आप आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ अवर एक्सरसाइज 5.2। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। सो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके कलर्स गिवन है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और नंबर ऑफ पीपल है, मतलब 18 पीपल है जो ब्लू लाइक करते हैं,
9 पीपल ग्रीन लाइक करते हैं, 6 पीपल रेड लाइक करते हैं, 3 पीपल येलो लाइक करते हैं, टोटल हमारे पास 36 पीपल्स है। तो सबसे पहले तो हमें इसको टेबुलर फॉर्म में हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं, हमें कलर्स गिवन है क्लियर, और हमें नंबर ऑफ पीपल गिवन है क्लियर। हम निकालेंगे सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन और फिर हम इसका निकालेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो कलर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ब्लू, देन ग्रीन, देन रेड एंड देन येलो, ये हमें कलर्स की बन है। तो ब्लू को लाइक करने वाले हैं 18 पीपल, ग्रीन को लाइक करने वाले हैं 9, देन 6 एंड देन 3, और टोटल नंबर है 36। तो सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 36 से। सो 18 डिवाइडेड बाय 36, 9 डिवाइडेड बाय 36, 6 डिवाइडेड बाय 36 एंड 3 डिवाइडेड बाय 36 क्लियर। जब इन सबकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, नेक्स्ट में 9/36 की कटिंग करेंगे 1/4, देन 1/6 एंड देन आएगा 1/12। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री क्लियर। तो सबको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 30 डिग्री। अब ये आ गए मेरे पास एंगल्स जो मैंने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल लगाएंगे। सो जब हम सर्कल लगाते हैं तो हमारे पास सेंटर अपने आप ही आ जाता है, हमें सेंटर खुद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आ गया मेरे पास सेंटर, और अब हम लगाते हैं सबसे पहले इसका बनाते हैं हम रेडियस। सो ये है हमारे पास सेंटर और ये हो गया इसका रेडियस क्लियर। अब सबसे पहले हम एंगल बनाते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है ब्लू, तो ब्लू का एंगल कितना है हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री ऑब्वियसली एक स्ट्रेट एंगल होता है, सो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हो गया बिल्कुल ये स्ट्रेट एंगल, सो दिस इज 180 डिग्री ऑफ ब्लू। अब नेक्स्ट है मेरे पास ग्रीन, ग्रीन है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हमारा बेस क्या है, ये हमारा बेस है ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल यहाँ पे मतलब। तो ये हो जाएगा एकदम स्ट्रेट एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री विथ ग्रीन ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा बेस और नेक्स्ट लगाएंगे हम 60 डिग्री फॉर रेड। ये हो गया अब हमारा बेस ठीक है, और अब हम एंगल लगाएंगे 60 डिग्री, तो ये है हमारे पास 60 डिग्री। सो ये हो गया हमारे पास एंगल 60 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास रेड कलर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 30 डिग्री, सो ये है हमारा बेस, और ये खुद ही आप देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास आ गया है प्रॉपर 30 डिग्री का। सो ये हो गया 30 डिग्री विद ग्रीन ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, सो टोटल मार्क्स याद रखिए हमें गिवन है हमारे पास 540 है, एग्जामिनेशन हुई है, हमें बच्चों के मार्क्स दिए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस के। सो हमें आंसर द क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमें सबसे पहले सब कुछ एंगल की फॉर्म में गिवन है, हमें सबसे पहले हम इसको मार्क्स ऑब्टेंड की फॉर्म में लेके आते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेंड की फॉर्म में लेके आने के लिए हमें वही फ्रैक्शन वाले फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तब हम उसे करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारे पास गिवन है, और अब हमें गिवन है सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल से हमें मार्क्स ऑब्टेंड बनाने हैं ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं मैथ्स, मैथमेटिक्स,
देन एसएस, देन साइंस, देन हिंदी, देन इंग्लिश। ये हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सबका सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं 90 डिग्री है, देन है 65 डिग्री, देन है 80 डिग्री, देन है 70 डिग्री और लास्ट है हमारे पास 55 डिग्री। अब मार्क्स ऑफ 10 कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। हमें गिवन है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को टोटल एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री, उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 540 से, क्योंकि 540 मेरे पास क्या है टोटल मार्क्स। क्लियर, ये एक स्टूडेंट का सर्वे हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 65 डिग्री, सो 65 डिग्री सेंट्रल एंगल है, टोटल एंगल है 360 डिग्री और लास्ट है हमारे पास टोटल 540 मार्क्स। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास 80 डिग्री एंगल, नेक्स्ट 360 डिग्री टोटल एंगल एंड लास्ट 540 टोटल मार्क्स। यहाँ पे एंगल नहीं है, 540 मार्क्स। देन है 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल हमारे पास है 540 मार्क्स। देन 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल मार्क्स है हमारे पास 540। क्लियर, जब हम इन सब की कटिंग करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 135, इसको सॉल्व करके आएगा 97.5 मार्क्स, नेक्स्ट होगा 120 मार्क्स, देन 105 मार्क्स एंड लास्ट होगा हमारे पास 82.5 मार्क्स। क्लियर, तो ये हो गए स्टूडेंट के मार्क्स हर सब्जेक्ट में। अब हमें हर आंसर करना है जो हमें क्वेश्चंस पूछा है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स उसके कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। सो 105 मार्क्स आए हैं हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मतलब कि मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं हिंदी से। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स, इसका बी पार्ट है, मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या है हमारे पास, मैथमेटिक्स के मार्क्स है मेरे पास 135 और हिंदी के मार्क्स कितने हैं मेरे पास, हिंदी में है 105 मार्क्स। क्लियर, तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, डिफरेंस हो जाएगा 135 माइनस 105, तो टोटल हमारे पास 30 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। सो दस 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्लियर, सो ये हो गया इस क्वेश्चन का बी पार्ट। अब लास्ट है इसका सी पार्ट, सी पार्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल प्लस मैथ, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। हमें सबसे पहले हमें देखना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है उनका सम कितना ज़्यादा है साइंस एंड हिंदी से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सी पार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सम ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स प्लस सोशल साइंस, तो मैथमेटिक्स में हमारे कितने मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में है 135 मार्क्स और सोशल साइंस में हमारे 97.5 मार्क्स, दोनों को ऐड करके आ गया 232.5 मार्क्स। क्लियर, और नेक्स्ट है द सम ऑफ मार्क्स साइंस प्लस हिंदी, अब साइंस और हिंदी में उसके कितने मार्क्स हैं, साइंस में है हमारे पास 120 और हिंदी में है 105, सो 120 प्लस 105 दोनों को ऐड करके आ गया 225। क्लियर, तो द सम, अब जो सम ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं उसने कहा था चेक करिए कि ज़्यादा है या नहीं है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के मार्क्स 232.5 है और इसके 225 है जो कि बहुत ज़्यादा है। सो यस द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एक्सरसाइज 5.2।